Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, good evening, good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से. क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, good evening, good evening. Sorry for the inconvenience, कुछ थोड़ा सा mistake हुआ, but overall सब सही है. अभी हम यहाँ पे हैं. चलिए, कहाँ हैं आप सभी लोग? अभी मुझे मेरे सारे बच्चे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि आज का महामैराथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन में से एक रखते हैं, क्योंकि ये सीरियस है और ये दिल का मामला है भाई, है ना. और जब दिल का मामला होता है तो डेफिनेटली हमें अपना बेस्ट देना पड़ता है, और शायद यहाँ पे थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत कुछ खराब कर सकती है. ओहो, मेरे बच्चे तो शायद अब लग रहा है ना, सुबह शाम रात सारे सेशन में मेरे साथ इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं, अब तो मुझे भी लगता है कि मैं सभी के रूम में शायद साथ में ही रह रहा हूँ, साथ में ही पढ़ा रहा हूँ. क्या बच्चों, थोड़ा सा मेरा एक सपोर्ट कर दीजिए बेटा, इस वीडियो को लिंक को सारे अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए, क्योंकि शायद जो लिंक गड़बड़ हुई है बच्चों को पता चल जाए. कोई बात नहीं, नई लिंक में आ चुकी है. नमस्ते नमस्ते. अच्छा, नमस्ते, गुड नाइट, सब कुछ हो गया बेटा. यही टाइम है मेहनत करने का, याद रखिएगा, यही टाइम है मेहनत करने का. जितना ज्यादा अभी मेहनत कर लोगे ना, उतना ज्यादा आगे मजे पाओगे, ये याद रखिएगा. चलिए, बढ़िया. सो देखिए, आज का जो हमारा टारगेट है, क्या टारगेट हमारा आज का है, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सीवीएस, साथ ही साथ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और एंटी हाइपरटेंशिव ड्रग के बारे में बात करेंगे. नहीं 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 नहीं, चलिए चलिए चलिए, प्रेशर का आएगा, मजे से पढ़ने का, मजे में रहने का, टेंशन नहीं लेने का. चलो, बहुत बढ़िया, चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं. बट उससे पहले मैं जरा कंफर्म कर दूं आप सभी को, आपका नेक्स्ट जो हमारा जीपैट अचीवर टेस्ट होने वाला है, जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट होगा, कब होगा? अगर हम बात करते हैं 19th जनवरी को होगा. और 19th जनवरी को जो हमारा होगा, तो वहां पे आपका क्या क्या टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, सबसे पहले तो जो आज का सेशन होने वाला है, ये टॉपिक हमारा इंक्लूड हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स से, हमारा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगा. अगर बात करेंगे सीएचएफ, एंजाइना, एंटी इस्केमिक ड्रग, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और एंटी एरिथमिक ड्रग हमारा हो जाएगा 16th जनवरी को, जो बड़ा जल्दी हो जाएगा यार. मैं सोच रहा हूं ना, मैं बेटा इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, आगे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इतने में सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो हम 19th को ले लेंगे. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमारा होगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइडल ड्रग, और हमारा नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी. टॉपिक यही रहेंगे, बस थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो सकता है. चलिए, तो ये हमारा सारा सिलेबस होने वाला है फॉर द नेक्स्ट जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट के बारे में. आज के सेशन का जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन. जीपैट 2023 का क्वेश्चन है, जीपैट 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है. बच्चों जरा मुझे कंफर्म करिएगा, ये जरूर बताइएगा, आप जितने भी मेरे प्राइम और क्लास कोर्स के बच्चे हैं, जरा मुझे इन टॉपिक्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करना, ये रिव्यू जरूर देते जाना, क्या ये सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से क्लासेस में किया है या नहीं किया है, करेक्ट. चलिए, पहला क्वेश्चन देखो क्या है. इन ईसीजी द पी वेव करेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इवेंट. हमने ईसीजी में बात किया होगा, ईसीजी में आता है पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और हमारा टी वेव आता है. याद है ना ये चीजें, हमने पी वेव के बारे में बात किया था, किस चीज के लिए होता है, हमने एक ही चीज याद किया था, क्या?
क्या याद किया था? एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये है एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और ये है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की कहानी। यही तो हमने पढ़ा है और यही तो क्वेश्चन पूछा गया मेरे बच्चों। दिमाग भी नहीं लगाना था, सिंपल आंसर देना था, सर पी वेव क्या डिनोमिनेट करेगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन डिनोमिनेट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यार प्यारे बच्चे, बड़े प्यार से आंसर। और मैंने क्या बोला था? दे दे रे। क्या बोला था? दे दे रे, यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। बच्चों याद आया कि नहीं याद आया? वही वाली तो बात थी, इतना इजी क्वेश्चन जीपैट में आया। क्या पता चला आपको कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आंसर निकालोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। सो हमने पी वेव की बात किया, एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव की बात करोगे तो हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बारे में बात किया जाता है। खैर ये सारी चीजें पढ़ी है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जीपैट 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, 2023 में ही एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन है बेटा। हाँ, और हम इतना इजी ही गलत करके आए थे। देखो देखो इस लड़के ने मेरे दिल के हजार टुकड़े कर दिए, शर्म तो आई नहीं इसको। अगर इतना मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन को इजी वे में गलत करके आया तो बढ़िया। Which of the following is not an ACE inhibitor? अरे सिंपल चीज है भाई, अरे प्रिल लगा है तो ACE inhibitor है, सार्डन लगा है तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, स्टैटिन लगा है तो HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर है, ओजोन लगा हुआ है तो हमारा PPI में आ जाएगा, अरे ये सारे ट्रिक विर लगा हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग आ जाएगा। कितना जगह पढ़ोगे जी? कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर, वेरापामिल नहीं है, ट्रेंड्रोप्रिल हाँ जी एस इनहिबिटर, लिसिनोप्रिल एस इनहिबिटर। वेरापामिल याद है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीन क्लासेस में होती है, डाइहाइड्रोपिरिडिन, बेंजोथायाजेपिन और हमारा आता है फिनाइल एल्काइल एमीन। तो सिंपल आंसर दे दिया होगा, वेरापामिल किस में आता है? फिनाइल एल्काइल एमीन क्लास में ड्रग में आता है। कैप्टोप्रिल शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है, रेमिप्रिल लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, कैप्टोप्रिल में सल्फेड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कैप्टोप्रिल की बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, कैप्टोप्रिल हमारी प्रोड्रग नहीं होती है, लिसनोप्रिल प्रोड्रग सीएल हमारे छुट्टी पे रहते हैं जो प्रोड्रग नहीं होते हैं। कितना समझाऊंगा जी? चलिए बढ़िया, वेरापामिल की बात करोगे तो याद आएगा कि नहीं याद आएगा? बढ़िया, बहुमत के साथ सी आंसर आप सभी ने लगाया होगा। प्रिल का नाम देखते ही सार्टन आता तो कहां लगाते हैं? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। आज जितने भी मेरे प्राइम और क्रैश कोर्स के बच्चे यहां नहीं होंगे ना, सब याद रखना मेरी, पता है बहुत ज्यादा ना तुम लोगों को श्राप लगेगा ना लायको अगर इतना पढ़ने में भागोगे तो। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जीपैट 2023 में आया और सेम क्वेश्चन जीपैट 2021 में भी आया। इसे बोलते हैं, जो बच्चा पूछता है ना कि सर जीपैट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, उसका एक एग्जांपल यहां पे है। चलो 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 चलो, देखो देखो देखो, जल्दी देखो जल्दी देखो, फटाफट कंफर्म करो इसको, पढ़ो ध्यान से। देखो क्या है, अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, एक पेशेंट है जिसका बीपी हाइपर है, रिसीविंग अ ड्रग वाई, वो वाई ड्रग ले रहा है for the managing BP, was prescribed a tricyclic antidepressant, और उसी patient को tricyclic antidepressant भी दिया जा रहा है क्योंकि उसको depression भी है। As a result, there was an abolition of the antihypertensive action of Y, और TCA drug देने की वजह से क्या हो रहा है, Y drug का antihypertensive action नहीं आ पा रहा है। बताइए कौन सी drug Y है? बड़ा simple question है, बहुत ध्यान से सोचने वाली चीज है, आंसर वहीं छिपा रहा है। चलो थोड़ा सा रुको, मेरी बात सुनो। टीसीए याद आ रहा है, इधर आओ, ये आपको याद है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट होता है अल्फा 2 रिसेप्टर और जो नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक होता है उस रीअपटेक को इनहिबिट करती है टीसीए और कोकेन। जरा ध्यान से सुनिएगा, रीअपटेक अगर इनहिबिट हो जा रहा है
तो नॉरएड्रेनालिन यहां अवेलेबल ज्यादा रहेगा, और अगर नॉरएड्रेनालिन अवेलेबल ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, वहां से रिलीज पे हमारा वर्क करेगा और नॉरएड्रेनालिन अपना काम करेगा क्योंकि वो बीपी बढ़ाएगा, क्योंकि रीअपटेक नहीं हो पा रहा है। ध्यान से सुनो, नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक नहीं हो रहा है तो क्या ये नॉरएड्रेनालिन मेरे अल्फा वन रिसेप्टर और बीटा वन रिसेप्टर पे काम करेगा? हाँ बोलो ना सर, काम करेगा क्योंकि रीअपटेक नहीं हो रहा है। और अगर यहां पे काम करेगा तो अल्फा वन रिसेप्टर पे काम करने की वजह से सर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, बीटा वन रिसेप्टर पे काम करने की वजह से टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो अगर मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो मेरी अल्फा टू रिसेप्टर पे काम कर भी रही थी उससे कोई फर्क आएगा ही नहीं, सो क्लोनिडिन का एक्शन एबॉलिश हो जाएगा। सो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग इज द क्लोनिडिन जिसका एक्शन को टीसीए एबॉलिश कर देती है। कैप्टोप्रिल रास सिस्टम से कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी नहीं है, बीटा ब्लॉकर के साथ एडिटिव में दिया जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि क्लोनिडिन अल्फा टू एगोनिस्ट होता है और अगर अल्फा टू रिसेप्टर हमारा उसका रोल ही नहीं आ पा रहा है, वो इनहिबिट कर ही नहीं पा रहा है। बताओ किसी को दिक्कत हुई क्या इस क्वेश्चन में? बढ़िया, सो सिंपल आंसर करोगे क्लोनिडिन हमारी ड्रग है जो हमारी क्या होती है टीसीए के साथ देने पे, टीसीए और क्लोरप्रोमाजेन के साथ देने पे क्लोनिडिन का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन एबॉलिश हो जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं, आ जाओ आ जाओ। ऑब्वियसली मिथाइल डोपा भी हमारी सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक में आएगी तो उसका भी एक्शन एबॉलिश होगा ना। जी 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 जी, देखो सेम क्वेश्चन मैंने बोला ना, बस अंतर क्या था, यहां मिस्टर जी डाल दिया गया, यहां एक्स नाम दे दिया गया ड्रग का, वहां वाई था, वहां मिस्टर जी नहीं थे, बस इतना ही अंतर था। बोलो बोलो। हाँ बच्चा रिया अतुल, मैंने कंफर्म कर दिया, हाँ मेरे मिथाइल डोपा में भी सेम चीज रहेगा। अरे कुछ नहीं है, वहां सी ऑप्शन में था, यहां बी ऑप्शन में था, मतलब इसे बोलते हैं रिपीटेड, है कि नहीं? जी हां, जी पैट में क्वेश्चन रिपीट हुआ हमें देखने को मिला। जी तो यहां पे वही था ना, क्या ड्रग एक्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड टीसीए दिया गया, उसकी वजह से एक्स ड्रग का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन एबॉलिश हो गया। इसलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे बच्चों ऐसी गलतियां होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाते हैं। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द थायाजाइड डायबिटिक इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैंने आपको दो चीजें याद किया था, चलो चलो, मैंने आपको दो चीजों के बारे में कंफर्म किया था, एक लूप डायुरेटिक और एक थायाजाइड डायुरेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या था? ये भी हाइपोकैलेमिया, ये भी हाइपोकैलेमिया, ये भी हाइपोमैग्नीशीमिया, ये भी हाइपोमैग्नीशीमिया। लूप डायुरेटिक हाइपोकैल्सीमिया, बट ये थायाजाइड हाइपरकैल्सीमिया करती है। अंतर यहां है, ये हाइपो और ये हाइपरकैल्सीमिया करती है। और अगर हाइपर की बात करूं तो हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर प्रोटीनीमिया, ये सारी देखने को मिलेंगी। अब देखो हाइपर यूरिसीमिया ये भी आएगा, तो हाइपर यूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब मिलेगा। लेकिन अगर पोटेशियम की बात करेंगे बच्चों, तो पोटेशियम में क्या आता है? हाइपोकैलेमिया आता है। लूप डायुरेटिक हाइपोकैल्सीमिया, थायाजाइड हाइपरकैल्सीमिया, एल्स रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस? अभी आंसर मिला कि नहीं मिला? याद रखोगे ये दोनों चीजें मेरे बच्चों, पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक हाइपरकैलेमिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं था। ये किसका एडवर्स इफेक्ट होता है? ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक में हाइपरकैलेमिया मिलता है, बाकी सब जगह तो सर हमें हाइपोकैलेमिया ही मिलेगा ना।
बढ़िया। हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, ये सब हमारे थायराइड की कहानी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो, टाइम नहीं लेने का, फटाफट करना है आज। सर क्लास में डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में रिकॉल हुआ था। गुड 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 गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर रिजल्ट फ्रॉम द इनहिबिशन ऑफ द ब्रैडीकाइनिन ब्रेक डाउन। वाह, 2026 और 2025 बैच की नई प्राइम क्लासेस शुरू होने जा रही हैं 26 जनवरी से। सो मेक श्योर बिफोर दैट योर एडमिशन इज कंप्लीटेड, 26 जनवरी से आप सभी की क्लासेस शुरू होंगी। बेटा इसके लिए कुछ बोलने की जरूरत है क्या? कितनी बार पढ़ोगे जी? एस इनहिबिटर मेजर एडवर्स इफेक्ट इज द ड्राई कफ। एस इनहिबिटर का मेजर एडवर्स इफेक्ट ड्राई कफ। क्यों? ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द ब्रेडीकाइनिन मेटाबॉलिज्म। ब्रेडीकाइनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। किसी को अगर इसमें दिक्कत हुई तो मेरा पढ़ाना बेकार हुआ। ड्राई कफ याद है ना, कैप्टोप्रिल एडवर्स इफेक्ट से सी से कफ ही तो देखा था। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्रोडक्टिव कफ या ड्राई कफ? नहीं बेटा, ड्राई कफ की बात करोगे। चलिए बढ़िया, कुछ नहीं था। एंजियोटेंसिन जो हमारा एस इनहिबिट एस एंजाइम होता है, दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्रेडीकाइनिन। और अगर ब्रेडीकाइनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्राई कफ हो जाएगा। चलिए जीपैट 2016 का क्वेश्चन है, इसको देखो मेरे बच्चे कितनी जल्दी हलवा करेंगे। सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम द 6 AM, सो हैविंग प्रॉब्लम विद द टाइम। सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन बट द क्लास स्टार्ट फ्रॉम 6 PM। आशीन, सो हैविंग प्रॉब्लम विद द टाइम। वाई 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 वाई? सपोज यू कैन नॉट अटेंड द 6 PM क्लास, यू कैन वॉच इट इन द रिकॉर्डिंग फॉर्म। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो सच फाउंडेशन। यस यू हैव टू बी देयर, बट यू कैन वॉच दोज वीडियोज लेटर ऑन। अरे वाह साई राम, दिल खुश कर दिया बेटा, दिल खुश कर दिया। हाँ जी, ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए एस्प्रिन दिया जाता है। मैच करो भाई जल्दी, मेरा इंतजार कर रहे हो क्या? मतलब मैं जब तक तुम्हारा कान से स्कूटर ना चलाऊं कान को घुमा के, तब तक आंसर नहीं दोगे क्या? क्रोनोट्रॉपिक क्या बोला था? कंपनी में एचआर होता है तो क्रोनोट्रॉपिक रिलेटेड टू द हार्ट। सो क्रोनोट्रॉपिक रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट और हार्ट बीट। आइनोट्रॉपिक बन जाएगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ड्रोमोट्रॉपिक इज द कंडक्शन। यहां भी डी है, यहां भी डी है। एंड बैथमोट्रॉपिक दैट इज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स। कुछ नहीं कहना था। वन फॉर क्यू, टू फॉर पी, थ्री फॉर एस आर, फॉर फोर फॉर आर, दैट इज द डी आंसर। आया कि नहीं आया बच्चों? इसको गलत करोगे क्या जी? ये भी गलत करोगे क्या? कंपनी वाला एचआर, कॉर्पोरेट में एचआर होता है, कंपनी में एचआर होता है या होती है जी? वहीं से तो आंसर बना है। क्रोनोट्रॉपिक, आइनोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक, बैथमोट्रॉपिक। गुड। मैच वाले क्वेश्चन नहीं बनते रे नालायक, मैच वाले क्वेश्चन से इजी तो कुछ होता ही नहीं है। मैच वाला मतलब एक ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। सर आज लाइव क्लास में अमित सर पूछ रहे थे किसका मैराथन है, इतना अर्जेंट कर रहे हैं आप सब लोग। अच्छा कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। Which of the following diuretic agent may produce hypokalemia alkalosis but is very useful in the drug treatment of the volume dependent hypertension? बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक्साइटेबिलिटी, अरे यार ठंडी में नहाने जाओगे तो एक्साइट हो जाओगे, तो बात लेना, ठंडी में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर देता है, एक्साइटेबिलिटी आ जाती है। बस बैथमोट्रॉपिक। चलो चलो जल्दी बोलो,
आज अगर तुम लोग ना 600 का आंकड़ा नहीं पार करके रिकॉर्ड बनाए ना, तो याद रखना मेरा दिल तोड़ोगे। बेटा तथागत, मैंने पहले आंसर दे दिया बेटा, 26 जनवरी। कुछ कहना है क्या? अरे अभी तो बोला यार। विच ऑफ द फॉलोइंग डायबिटिक एजेंट मे प्रोड्यूस द हाइपोकैलेमिक, ये वर्ड दिख रहा है, हाइपोकैलिमिया दिख रहा है, हाइपोकैलिमिया से आपको क्या याद आ रहा है? या तो लूप डायबिटिक होगा या तो थायाजाइड डायबिटिक होगा, करेक्ट है? ये पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक, ये तीनों पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक हैं। अगर पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक होंगे, कौन बोला सी आंसर होगा? इसके कान को थोड़ा घुमाओ, पीयूष कश्यप इधर आओ, इधर आओ, साइड में आओ थोड़ा, तुम्हारा स्कूटर चलाते हैं ना, इतना बड़ा इजी ब्लंडर करोगे? दीज ऑल आर द पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक, और जितने भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक होते हैं वो सभी हाइपरकैलीमिया बोलते हैं। अभी बात किया था कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। सर, कैन एट सेमेस्टर स्टूडेंट फिल द फॉर्म ऑफ द डीएसएसबी? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, बिकॉज यू हैव टू बी रजिस्टर्ड इन द फार्मेसी काउंसिल। तो ऑब्वियसली आंसर क्या बना? थायाजाइड और लूप डायुरेटिक, यही तो मेरी ड्रग है। हाँ, एक ही तो है जो हाइपोकैलीमिया कराएगा। क्वेश्चन में कुछ था भी क्या? मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए है? तुम्हारा फूल काटने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, और क्वेश्चन में है कुछ नहीं। यस, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, दीज ऑल आर द ड्रग विच कैन कॉज द पोटेशियम हाइपोकैलीमिया। चलो चलो, नेक्स्ट आ जाओ। बोसेंटन, मैंने बोला था ना, ड्रग में नाम छिपा होता है, ड्रग में नाम होता है। अगर मेरा बच्चा पकड़ लिया तो कसम से आज ना मैं लड्डू बांटूंगा और खुद खाऊंगा, तुमको नहीं खिलाऊंगा, टेंशन ना लेना। जल्दी से पता करके बताओ। मोहम्मद अफजल अंसारी, यू आर टोटली रॉन्ग मेरा बच्चा। यस यस यस, बढ़िया बच्चों, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश किया। तो आज का मेरा लड्डू कंफर्म। अरे नाम में ही लिखा है, ENAN, AN मतलब होता है एंटागोनिस्ट, और EN मतलब यहां पे बना इंडोथेलियल। यस, तो इंडोथीलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या इंडोथीलियल इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ईएन से बना इंडोथेलिन, एएन से बना एंटागोनिस्ट, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बताना दिमाग लगाना हो तो। और ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा खास बात यही होता है, प्यार से, मोहब्बत से, दुलार से, लाड से, किसी भी तरह करोगे ना, बड़े इजी से आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। सो यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या? इंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बोसेंटन की बात करेंगे। जैसे एटोसीबैन, मैंने आपसे बोला होगा, एटोसीबैन में क्या आता है बेटा? एटोसीबैन, ओसी यानी ऑक्सीटोसिन, ओसी यानी ऑक्सीटोसिन, एन मतलब एंटागोनिस्ट, तो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। आज भी तो एक बात कर रहे थे, टोल वैप्टन, देखो टोल वैप्टन, वैप यानी वैसोप्रेशन, एन मतलब एंटागोनिस्ट। बताओ कितना टफ है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। वैप यानी वैसोप्रेशन, एन यानी एंटागोनिस्ट, ईएन मींस इंडोथेलियल, एएन मींस एंटागोनिस्ट। बड़े प्यार से आंसर बनाना। एग्जैक्टली, आएगा कि नहीं? बढ़िया, नेक्स्ट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से आप लोग। बैन आ गया मतलब एंटागोनिस्ट। हाँ बेटा, बैन ना याद रखे तो एन याद रखो। सर, आईपीसी में एक इंटर्नशिप करने के लिए आया है, फार्माकोविजिलेंस पर करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम है तो हाँ करना चाहिए। लड्डू फिर फेलिसिटेशन में खाएंगे, ये हुई ना बात बेटा, यही तो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। जी हाँ, अभी थोड़ा सा हेल्थ ठीक है, इसीलिए आज की मैराथन में हूं आप सभी के साथ। आ जाओ, पेशेंट टेकिंग आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी एडवाइज नॉट टू टेक विद द सिल्डेनाफिल, दिस ड्रग इंट्रैक्शन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा देखो, याद है,
देखो क्या बताया था, नाइट्रोग्लिसरीन और एनी नाइट्रेट दैट कैन लीड टू द वैसोडाइलेशन, और खासतौर पर हमारे वेन का डायलेशन, वेनोडायलेशन करेंगे। और अगर फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर 5 इनहिबिटर यानी सिल्डेनाफिल दे दिया जाएगा तो सीजीएमपी और बढ़ जाएगा, तो डायलेशन और ज्यादा हो जाएगा। और अगर वैसोडाइलेशन और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा कि नहीं, होगा कि नहीं हाइपोटेंशन। क्लास में समझाया हूं, कराया हूं, बताया हूं, अगर मेरा बच्चा याद रखे हो तो एग्जैक्टली तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा। एग्जैक्टली, सो सिल्डेनाफिल एंड एनी नाइट्रेट डेरिवेटिव, नॉट ओनली नाइट्रोग्लिसरीन, नॉट ओनली आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, नॉट ओनली आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट, कभी भी इनको साथ में नहीं लेना। 600 क्रॉस, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो 700 बोला था, 600 थोड़ी ना बोला था। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं बच्चों, आप जितना पढ़ो उतना मेरे लिए अच्छा है। नेक्स्ट आ जाओ, सीवियर होगा सर, चलो 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 चलो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ एस इनहिबिटर एक्सेप्ट फॉर वन, बताइए सभी में एस इनहिबिटर यूज कर सकते हैं किसमें नहीं, बोलो जरा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे यार जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट करते आप लोगों, फिर मुझे आप बोलते हो सर जल्दी करो, है चलो जल्दी बोलो, अरे इससे इजी क्या होगा बताओ, हाइपरटेंशन में यूज होता है एस इनहिबिटर कि नहीं, हाँ यूज होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जी सर यूज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन में जी सर यूज होगा, बताओ फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रेनल ग्लैंड के ट्यूमर में आप एस इनहिबिटर को यूज करोगे क्या, फियोक्रोमोसाइटोमा की ड्रग ऑफ चॉइस तो हमने फिनोक्सीबेंजामिन पढ़ा होगा ना बच्चों, किसी ने अभी तक नाम नहीं दिया, मेरा खून खोल जाता है जब मेरे से पहले मेरा बच्चा आंसर नहीं देता है, सर फियोक्रोमोसाइटोमा की तो ड्रग ऑफ चॉइस हमने फिनोक्सीबेंजामिन पढ़ी है तो यहां ये कैसे आ गया जी, बढ़िया 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 बढ़िया, तो फियोक्रोमोसाइटोमा का कोई भी रोल एस इनहिबिटर में नहीं है, आपसे एक्सेप्ट पूछा गया था तो फियोक्रोमोसाइटोमा आपको बता देना था, बताओगे कि नहीं, अल्फा बीटा बोथ ब्लॉक करेंगे सो डी, कौन बोला जी फियोक्रोमोसाइटोमा में अल्फा बीटा दोनों ब्लॉक करेंगे, फेनोक्सीबेंजामिन ड्रग ऑफ चॉइस है वो दोनों पे काम करती है, कहां जाते हो जी है? कौन सा नशा करके आते हो जी, एस इनहिबिटर कहां कहां यूज होगा, हाइपोटेंशन में साइड इफेक्ट है, हाइपरटेंशन में, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शनिंग में, मायोकार्डियल इंफेक्शन में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, स्क्लेरोडर्मा में, जी हाँ। ओके सो जैसा कि आप सभी को पता है रैंकर बैच फॉर द जीपैट 2024 उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, और अगर पढ़ने की चाहत है, वाकई करने की कोशिश है कि एटलीस्ट मुझे क्वालिफाई करना है, सो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द जीडीसी इन द जीपैट 2024 रैंकर बैच एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस, अभी तो प्राइम डे का ऑफर भी शुरू हो चुका है, सो डोंट मिस दिस, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्लासेस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 21st जनवरी, हां जी 21st जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, थोड़ी फास्ट होंगी लेकिन सिलेबस पूरा दिया जाएगा, किया जाएगा जैसा कि पहले भी हमने किया है और बच्चों ने रिजल्ट भी इससे दिया है, सो ये आपका मौका है, डोंट मिस दिस, हां जी चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एंजियोटेंसिन 2, बताओ बेटा एंजियोटेंसिन 2 के बारे में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमाग को हिलाएगा लेकिन आंसर बड़ा प्यार से आएगा। इस बार यूपी में फेलिसिटेशन करा दो पक्का, मैंने क्या बोला जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट होता है फेलिसिटेशन वही स्टेट में होता है, तुम लोग यूपी में लेके आओ सबसे ज्यादा रिजल्ट, मैं यहां करवा दूंगा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
चलो खैर छोड़ो, इधर आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से बच्चों, नहीं तो सब गड़बड़ा दोगे। क्या बोला गया फिर से मैं बोलूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 2 के बारे में कौन सा पॉइंट सही है? इधर उधर की बातें नहीं, काम पे फोकस करो। हाँ पूरा साइड होगा बेटा, पूरा साइड होगा। एंजियोटेंसिन 2 में क्या एक्शन होता है? अच्छा ए सी डी में बड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं चलो इधर देखते हैं। देखो क्या है, एक चीज बताओ, एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, क्या करता है? पहला चीज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, दूसरा एड्रेनल, हमारा एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है, और तीसरा एक बहुत बड़ा रोल, एंजियोटेंसिन 2 आया कब है? जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। ध्यान से सुनना, आया कब है? जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। अभी सब गलत हो गए इसलिए कमेंट अब रोक दो, मैं समझ गया तुम सब बर्बाद कर दिए हो। तो जरा एक चीज मुझे कंफर्म करो, डिक्रीज द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंजियोटेंसिन 2, मतलब ये वही कहानी हुई कि एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो ये रेनिन के रिलीज को इनहिबिट कर देगा। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप बोल रहे हो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो बस इतना मुझे बताना कि एंजियोटेंसिन 2 अगर बनेगा तो रेनिन का रिलीज बंद हो जाएगा क्या या घट जाएगा क्या? कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज में खड़े हो रहे हैं कि हाँ सर बी सही है, बिल्कुल गलत है। क्या होगा? इंक्रीज सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होगी। बात सुनना, आगे सुनो, इंक्रीजेस फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। एस इनहिबिटर का दूर दूर तक कहीं आपने कॉन्ट्रैक्शन का रोल सुना है क्या? मोहम्मद दानिश प्लीज स्टॉप द कमेंट बेटा, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो, पहले रिजल्ट लेके आओ, फिर बात कर लेंगे कहां पे करना है, वो बात की बात है। पहले इधर आओ, सुनो मेरी बात, क्या बोला, एस इनहिबिटर का कोई भी रोल या एंजियोटेंसिन 2 का कोई भी रोल कॉन्ट्रैक्ट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन से था क्या? दूर दूर तक नहीं दिखता है। नहीं सर, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन पे इसका कोई रोल नहीं है। सर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पे है, ध्यान से सुनो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पे है, मायोकार्डियल पे नहीं है। सर कार्डियक मसल्स पे नहीं, स्मूथ मसल्स पे काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ना? हाँ बेटा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, लेकिन क्वेश्चन में तुमने पढ़ा ही नहीं। कितने बच्चों ने यह ब्लंडर किया है, तुमको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? एक कार्डियक मसल्स की बात हो रही है, एक स्मूथ मसल्स की बात हो रही है। नहीं सर, स्मूथ मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कार्डियक मसल्स पे नहीं। डिक्रीजेस द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अभी तो बोला सर एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरोन का रिलीज बढ़ेगा, सर यहां डिक्रीज लिखा है, काट दीजिए। तीनों गलत हुए कि नहीं? तीनों गलत हुए। अच्छा पहले वाले पे चलो, क्या था, कॉजेज मायोसाइट हाइपरट्रॉफी, कॉजेज मायोसाइट हाइपरट्रॉफी। अच्छा सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, कितने मेरे बच्चों को CHF चैप्टर पे मैंने कार्डियक रीमॉडलिंग पढ़ाया है आपको याद है? जरा मुझे बताओ याद है क्या, पहले मुझे बताओ कार्डियक रीमॉडलिंग याद है क्या? अरे ऑब्वियसली अगर एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा बन रहा है तो कार्डियक रीमॉडलिंग होगा, क्योंकि वो अपने आप को रीमॉडलिंग करने की कोशिश करेगा। आज ही हां जी बात किया है तो बेटा एंजियोटेंसिन 2 हमारा मायोसाइट हाइपरट्रॉफी करता है, और यही रीमॉडलिंग नहीं होने देने के लिए हम एस इनहिबिटर देते हैं, नहीं तो क्यों देंगे एस इनहिबिटर?
हम चाहते हैं कि कार्डियक रिमॉडलिंग ना हो, और अगर वो नहीं कराना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ एंजियोटेंसिन 2 हाइपरट्रॉफी करता है। कार्डियक रिमॉडलिंग एंड ए सेम है? नहीं, उसी का पार्ट है। रिमॉडलिंग में मैंने क्या बोला था, फिर से सुनो, रिमॉडलिंग में क्या बताया था कि रिमॉडलिंग में हमारा साइज चेंज होता है, हमारा सर सीवीएस पढ़ा देते काश आप, ESIC बैच में पढ़ा रहा हूं बेटा, काहे परेशान हो रहे हो, हमारा साइज चेंज होता है, हमारा मास चेंज होता है, जियोमेट्री चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, यही तो रिमॉडलिंग है। और हाइपरट्रॉफी में तुम्हें नहीं पता है साइज बढ़ रहा है, हुआ कि नहीं? एग्जैक्टली, सो ये आंसर है। हमारा एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके PVR बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज करके ये करता है, और कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड रीमॉडलिंग करता है। सर एक ऐसे है भगवान, पूरी कहानी वही सुना रहा था और इस बच्चे को कह रहा है कि सर एक ऐसे, बट पगला। चलो, सिल्डेनाफिल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। अलर्ट हो जाओ सब सर भी अब श्रीकांत सर के फ्रेंड बन गए। क्यों भैया, क्या हो गया विवेक जी, क्या हुआ? कौन से पैकेज में पूरा सिलेबस कवर होगा, डिपेंड करता है बेटा शशांक आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। चलो मैं साइड हूं, क्वेश्चन पढ़ो। वैसे आप बोलोगे सर सिल्डेनाफिल तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में, सर यहां तो सब एंजाइना हाइपरटेंशन इक्लेप्सिया हाइपरटेंशन ये सब दिया हुआ है। जी 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 निक्की बेटा साइड हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ मैंने आपसे कहानी भी सुनाया था, नहीं सुनाया होगा तो एंजाइना वाले में सुना दूंगा। क्या सर ऐसे क्वेश्चन लाया करो जो दिमाग में भी गरम कर दिया। ये जो सिल्डेनाफिल है ना, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए यूज होने लगी, बट बनी नहीं थी इसके लिए, बनी किसके लिए थी? पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा अरे यार इससे ज्यादा इसका एक्शन तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में, तो क्यों ना हम इसके मेन एक्शन को घटा के इसके साइड वाले एक्शन को बढ़ा दिया जाए। बात समझे? अच्छा पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है? सर जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी होती है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हमारे हार्ट से लंग्स में ब्लड लेके जाती है, और जब पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बात समझो? और उसी पल्मोनरी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई थी सिल्डेनाफिल। बाद में देखा गया अरे यार ये तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में भी काम करती है। बात समझे? क्लास में आपने बोला था, गुड 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 गुड, थैंक यू, आंसर मिल गया कि नहीं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन सेक्सुअल इरोजल करता है, CGMP का फॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म घटाता है, वैसोडाइलेशन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एलिस्केरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एलिस्केरिन, जिपैक 2010 का क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड रहूंगा। ये क्वेश्चन कभी फेमस हुआ करता था, एक जमाने की बात थी ना बेटा। सर पल्मोनरी हाइपरटेंशन से क्या होता है? अरे बोला तो बेटा, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जब वहां प्रेशर बढ़ता है, अब सोचो हार्ट से लंग में प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, प्रेशर ज्यादा है, प्रॉब्लम है, वही तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। और एलिस्केरिन का नाम सुनते ही क्या याद आया, इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ, नहीं भैया ये तो एस इनहिबिटर करेगा, इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ रेनिन। जी ये काट दो, ये काट दो, बी आंसर सभी को दिखना चाहिए, किसी का ये सी डी दिखाना समझ लेना यही मुर्गा बनाऊंगा। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर होती है एलिस्केरिन, नॉन पेप्टाइड होती है, याद है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों,
An angiotensin 2 receptor blocker useful in treating hypertension is GPAT 2008 का क्वेश्चन है और एकदम हलवा वाला है। संध्या बेटा अभी क्लास के बाद कर लेना, क्लासेस थी इसलिए नहीं कर पाया था मेरा बच्चा। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नॉन पेप्टाइड, जी 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 जी। सर डेमो क्लास है क्या? किसकी बच्चा, किसकी डेमो चाहिए आपको? चलिए, अरे साफ साफ लिखा है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी एआरबी ब्लॉकर। और एआरबी की बात करोगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में साल्टन याद आएगा। सर इसमें कैसे ट्रिक आएगी? अरे आएगी ना, काहे परेशान हो रहे हो? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नाम में ही होगा कहीं ना कहीं, देख लेना सब में साल्टन मिलेगा। ए आर मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, ए एन मतलब एंटागोनिस्ट, नाम में ही काम छिपा है। ये लॉल है, बीटा ब्लॉकर है, इनाला प्रिलेट यानी इनाला प्रिल दिख रहा है, प्रिल दिख रहा है तो एस इनहिबिटर है, डिपिन है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, नाम में है। जीडीसी वाले डेमो नहीं रिजल्ट देते हैं भाई, क्या बात है क्या बात है। बस याद रखना अगर अपने सीनियरों की लीगेसी को आप लोगों ने ब्रेक किया ना, पिछली बार से ज्यादा रिजल्ट इस बार नहीं दिया ना, समझ लेना। हाँ बढ़िया, वेल सार्टन की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या बात है सर, दिल खुश हुआ? गुड गुड गुड, चलो 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 चलो। सर यूपी फार्मासिस्ट की तैयारी करने के लिए क्लास कब चलेगी? बेटा यूपी फार्मासिस्ट पहले आने तो दो बेटा, वो तो मैं पिछले 10 सालों से ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। चलो जल्दी बोलो, Which of the following are likely to be good target for designing anti-hypertensive drug? क्या हाइपरटेंशन में H2 रिसेप्टर का कोई रोल है, प्रोटॉन पंप का कोई रोल है? नो, कैल्शियम चैनल, हाँ कैल्शियम चैनल का रोल है, एंड अल्फा 2 रिसेप्टर का रोल है। तो कौन बोला बी, कौन बोला बी? अरे बिल्कुल सही बोला बी, अगर बी बोला तो सही बोला, यानी हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉक, कैल्शियम चैनल रिसेप्टर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर आरएस की बात करूंगा। बी आंसर आया, गुड गुड, कुछ नहीं करना था इसमें तो, सिंपल है। अरे भैया ये दोनों अल्सर में यूज होते हैं, एचसीएल सिक्रीशन वाले में काम करते हैं, इसका यहां कोई रोल नहीं है, भगा दीजिएगा, दूर से भगा दीजिएगा। चलो जीपैट की तैयारी के लिए जिसने भी पूछ रहा था सर क्या पढ़ लूं, ये बुक पढ़ लो बेटा, 60% सिलेबस तो गारंटी के साथ में बोल सकता हूं, जीपैट एट योर फिंगर टिप्स, आपको काफी हद तक मिल जाएगा। बट पढ़ना, खरीद के अलमीरा में 100 पीस के लिए मत रख देना। चलो आ जाओ, अरे काफी दिनों बाद तुम्हें अच्छे मूड में आया हो रे पागलो, अब तो थोड़ा सा मुझे भी खुश हो लेने दो, इतने दिन से मैं परेशान हो गया था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। पूजा बेटा बस आप थोड़े दिन और रुक जाओ, बस 1 हफ्ते और रुक जाओ, मैं आपके बैच में क्लास लूंगा, 1 हफ्ते, ज्यूरिसप्रूडेंस आने वाला है, परेशान मत हो, पूरा डिटेल में ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डीआई, निश्चिंत रहो। चलो ट्राजोसिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाई, कोई मुझे मारो जी, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है, है? इतना क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए यार, ये अभिषेक सर के लेक्चर में आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, मूवी, अरे वाह। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, पढ़ाई हमेशा मजे से होती है। अगर कोई ये कहे ना कि प्रेशर के साथ पढ़ाई, तुम 10 घंटे पढ़ो, प्रेशर में पढ़ो, टेंशन लेके पढ़ो, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। 4 घंटे पढ़ो, मजे से पढ़ो, स्कैन थेरेपी के साथ, मेरा बच्चा समझेगा, स्कैन थेरेपी के साथ पढ़ो, फिर देखना फायदा कितना होगा, ठीक है? चलो
ट्राजोसिन भैया अल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, प्राजोसिन टेराजोसिन डॉक्साजोसिन है, ऐसा क्वेश्चन कहां से आना चाहिए? बढ़िया, प्राजोसिन टेराजोसिन डॉक्साजोसिन ये सभी हमारे क्या होते हैं? अल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चा। अल्फा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरटेंशन इन बीपीएच, क्या बात है बेटा हर्ष, बढ़िया। अच्छा सर आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, मोटिवेशन कहाँ डाउन हो गया था, कोई बात नहीं, आ गई है मेरी आवाज वापस, मैं ले आया हूं, अब तुम्हारा मोटिवेशन भी लेके आऊंगा कल जरूर, कल तैयार रहना सारे प्राइम वाले और क्रैश कोर्स वाले बच्चों, कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, टाइमिंग चेंज हो सकती है, मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, लेकिन हाँ यहां से 15 जनवरी से आगे हमें कैसे चलना है उसके लिए जरूर तैयारी करना जरूरी है। ड्रग दैट बाइंड टू द 81 रिसेप्टर, अरे अभी तो बात किया था यार 81 की बात करेंगे, साल्टन लगा देना, टाइम वेस्ट काय कर रहे हो सर, आगे बढ़ो, काय टाइम वेस्ट हमारा खींच रहे हो, ब्रैडीकाइनेज जल्दी बोलो, ब्रैडीकाइनेज देखो कितना इजी क्वेश्चन, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन, ओए बीपीएच के लिए टेल मी सार्टन बहुत ज्यादा मारेंगे, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के लिए साफ साफ बताया हूं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद द बीपीएच दैट इज द अल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉकर इज द ड्रग ऑफ चॉइस, भूल गए सॉरी यूपी में 2 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, नॉट पॉसिबल, चलो 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 ब्रेडिकाइनिन क्लास में बताया था, डेकापेप्टाइड नोनापेप्टाइड ऑक्टापेप्टाइड हेक्सापेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड क्या क्या बताऊंगा जी सब भूल जाओगे, डेकापेप्टाइड में क्या याद है एंजियोटेंसिन 1, नोनापेप्टाइड में क्या याद है ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन और ब्रेडिकाइनिन ऐसा क्या, और ऑक्टापेप्टाइड में क्या याद है एंजियोटेंसिन 2 याद है, हेक्सापेप्टाइड में क्या याद है एंजियोटेंसिन 3, हेप्टा में 3 है एग्जाम में 4, लगाओ ना आंसर, ब्रेडी नोना, हां जी नोना पेप्टाइड की बात चल रही है, वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन और ब्रेडिकाइनिन नोना पेप्टाइड है, पढ़ा है नहीं जाऊंगा इधर उधर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़िया। The rofecoxib drug is not be given if the patient is already taking. बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सच में बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिर्फ CBS से नहीं थोड़ा NSAID से चलना पड़ेगा। खैलिडिन भी डेका है, जी बेटा बिल्कुल खैलिडिन डेका है, ग्लूकेगॉन 29, गैस्ट्रिन 17, इंसुलिन 51, क्या बात है मेरा बच्चा क्या बात है, क्या है नोना पेप्टाइड, हाँ ये बढ़िया है, क्या होता है नोना पेप्टाइड, जब 9 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो नोना पेप्टाइड कहलाता है, ठीक है नहीं मिला आंसर कोई बात नहीं, अब थोड़ा रुक जाओ और मेरी बात सुन जाओ, एक चीज बताओ रोफेकॉक्सिब वेल्डेकॉक्सिब हमने कुछ ऐसी ड्रग पढ़ी है, वैसे पढ़ी तो हमने इटोरिकॉक्सिब भी है, हमने पढ़ी तो सेलिकॉक्सिब भी है, कॉक्सिब क्लास की ड्रग हमने पढ़ी है याद है ना, और कॉक्सिब क्लास की ड्रग में हमने ये देखा था रोफेकॉक्सिब इज द ड्रग विच हैविंग द एडवर्स इफेक्ट दैट इज द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, तो अगर पेशेंट को ऑलरेडी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है और अगर उस पेशेंट वो ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है तो क्या उसको रोफेकॉक्सिब देनी चाहिए, एडवर्स इफेक्ट NSAID से निकालना था, यस, और हमने यही तो बोला था कॉक्सिब क्लास के ड्रग गैस्ट्रिक सेफ है लेकिन हार्ट अनसेफ है, हार्ट में अनसेफ है इसीलिए तो बैन की गई है ना रोफेकॉक्सिब,
थोड़ा सा कोरिलेटेड था, बट आंसर बड़ा इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था. These agents should be avoided in patient with the history of the ischemic heart disease, hypertension, cardiac fibrosis, cerebral vascular disorder. वहाँ पे इसको नहीं use करना है. कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था सर, प्राइम 25 और 26 का बैच कब से शुरू होने जा रहा है. मैं यहाँ पे जरा कंफर्म डेट लिख दूँ, 26 जनवरी. हाँ जी, हम इस बार अगर बात करेंगे हमारा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे से ओरिएंटेशन इसका स्टार्ट होगा फॉर द जीपैक 2025 एंड जीपैक 2026 का न्यू बैच फॉर द जेडीसी प्राइम. और ये ऑफर का टाइम है, जेडीसी प्राइम डे चल रहा है 14th जनवरी तक, फेस्टिवल सीजन है, यूज इट, ग्रैब इट एंड इंप्रूव योर प्रिपरेशन. चलो आ जाओ. द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट इनलाप्रिल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सब्स्टिट्यूटेड. बड़ा ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से आंसर करना, गलती करोगे बहुत पछताओगे. देखो 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 क्या बोला जा रहा है. एक पेशेंट ले रहे थे इनलाप्रिल, अचानक उनको अचानक से ये हुआ कि वो उसको मतलब इनलाप्रिल से उनको टॉलरेशन नहीं हो रहा है. अब वो क्या लेंगे बताइए, कौन सी ड्रग दे दिया जाए. कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सच में कुछ नहीं है, दिमाग मत लगाओ, ये हलवा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है. एक चीज बताओ, अरे इनलाप्रिल किसके लिए देते हो, हाइपरटेंशन में या सीएचएफ में दोगे. ओमेप्राजोल हाइपरटेंशन या सीएचएफ में काम करती है क्या. रोसिग्लिटाजोन, अरे सर ये तो डायबिटीज वाली है. क्लोफिब्रेट, अरे सर ये तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक वाली है. सर इनका तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है. ऑब्वियस सी बात है, एस इनहिबिटर में अगर टॉलरेट नहीं हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, तो एक काम करो, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर दे दो. ऑप्शन में ही साफ साफ दिख रहा है, अगर थोड़ा सा तुमने दिमाग लगाया हो तो आंसर मिल जाएगा. अब हमने पढ़ा था ना, एक मिनट, अच्छा ये इसको और लॉजिकल चलते हैं, थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को हम डीप में लेके चलते हैं. व्हाई एस इनहिबिटर पेशेंट हैविंग द लेस टॉलरेबिलिटी, बिकॉज एस इनहिबिटर कैन प्रोड्यूस द फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, बट इन द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देयर इज द नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन. बात याद है कि नहीं याद है. बात समझे, बढ़िया 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 बढ़िया. चलो आ जाओ. मैच द फॉलोइंग ड्रग फॉर देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैच करो भैया, मुझे आता ही नहीं है, आप बता दो मैं वही आंसर लगा दूंगा. चलो बहुमति के साथ मुझे यहां पे सी आंसर मिल रहा है, करेक्ट. तो सी में बोल रहा है 1 for R 2 for P. ब्रोकेनामाइड क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, एकदम सही जा रहे हो बच्चों. और वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, आपके मुंह में घी शक्कर लगा दो बेटा. 1 for R 2 for P. सी आंसर इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया, कुछ कहना ही नहीं है, क्लासिफिकेशन से सीधे आ जाएगा कौन सी किस क्लास की ड्रग है, यही तो पूछा गया था. चलो स्लाइड चेंज करो. लो भैया कर दिया. Listed are the drug from 1 to 4. They are appropriate anti-hypertensive mechanism are given. Match them correctly. चलो चलो चलो. Match करो, match करो, match करो, match करो. ठीक है. 30 मिनट में थीस क्वेश्चन. 30 क्वेश्चन. चलो टारगेट करते हैं. फटाफट फटाफट. देखो पिंडोलॉल क्या दिख रहा है, बीटा ब्लॉकर दिख रहा है क्या, 1 for S दिख रहा है क्या, यानी पहला या चौथे ऑप्शन में चलोगे. मिनोक्सिडिल कहाँ दिख रहा है, मिनोक्सिडिल क्या होता है भैया, किसी को वैसोडाइलेटर दिख रहा है क्या, 2 for P दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है. कैप्टोप्रिल सर एस इनहिबिटर होता है, सो 3 for Q दिख रहा है क्या, जी सर दिख रहा है. एम्लोराइड डायुरेटिक होती है, जी सर दिख रहा है. लगा दो. कौन बोला ए आंसर, एक मिनट. कैप्टोप्रिल अगर तुम 3 for U में जाओगे तो पोटेशियम इंडक्शन पे काम करेगी, कभी नहीं, साफ साफ है. कैप्टोप्रिल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर, तो 3 for Q अगर इतना लगा दोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, कुछ कहना ही नहीं था. बन गया कि नहीं, एक से बन जाएगा ये पूरा आंसर. द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन, क्या बात है, ये क्लोनिडिन तो आज 3 बार आ गया. अच्छा
मतलब आंसर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? सर आप नहीं दिख रहे थे, ऐसा क्या? चलो 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 चलो, क्लोनिडिन। अभी तो बात किया अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, कुछ टाइम वेस्ट करना है क्या इसमें? नहीं करना है। नेक्स्ट आओ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वैसोडायलेटर लोअरिंग ड्रग, इट यूज इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ। अगर नाइट्रोप्रोसाइड की बात करोगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यस सर, दिस इज द बोथ आर्ट्रियो एंड वेनोडायलेटर बोथ, बट प्रॉब्लम इज देयर, इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वेरी लो, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जब लो होगा तो इस वजह से इसका यूज रेयर कर दिया गया है। सर कोई उपाय बता दीजिए ताकि आपके कॉलोजी के लेक्चर के वीडियो पेपर देने के बाद भी हमेशा के लिए जीडीसी अकाउंट में सेव रहे। अरे मेरा बच्चा मैं हूं ना, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं हमेशा हूं, निश्चिंत रहो। इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये इतना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का होता है ना, नाइट्रेट है, पता है ना, नाइट्रेट फास्ट सॉल्ट, फास्ट एक्टिंग है, विद इन 30 सेकेंड, हाँ जी, विद इन 30 सेकेंड काम कर जाते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका लो होता है, इस वजह से इनको हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ओनली 3 मिनट का इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। चलो नेक्स्ट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इनहिबिट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इनहिबिट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम में काम करने वाली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का नाम बताइए। सर ये ओरल वाला भी हो सकता है, जी बेटा बिल्कुल हो सकता है सौरभ, हर्ष ने, क्या बात है क्या बात है बेटा, तुम इतना बड़ा लिख देते हो मुझे बड़ा खुशी होती है। चलो चलो जल्दी आंसर करो भाई। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं ना, जो आते हैं देखते हैं अच्छा कितने नंबर पे चल रहे हैं, अच्छा ये वाला है, थोड़ी देर बाद फिर जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, अच्छा सर कहां तक पहुंचे चलो देख लेते हैं, हैं? ये लुका छिपी वाला खेल खेलते रहते हैं क्या? टेक इट इजी, चलो 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 चलो। अरे रास सिस्टम की कैप्टोप्रिली तो मिल रही है भाई, और क्या मिल रही है, रेसर्पिन मिथाइल डोपा प्रोपानोलोल रास सिस्टम में तो नहीं काम करेगी ना, एग्जैक्टली रास सिस्टम में एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर रेनिन इनहिबिटर यही तो आएगी। ओके नेक्स्ट, व्हिच वन, अब चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर खत्म, अब थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following correctly define the tachycardia? चलो बच्चों बताओ, tachycardia क्या होता है? Irregular heartbeat? नहीं, ये arrhythmia होता है। Increase rate of the heartbeat? हाँ जी, ये tachycardia होता है। Decrease rate of heartbeat? Bradycardia होता है। Inadequate flow of the blood to the part of the heart, जिसको हम hypoxia या ischemia, oxygen की कमी तो hypoxia, और अगर blood की कमी तो ischemia बोलते हैं। So answer क्या हुआ? Increase rate of heartbeat कहलाता है क्या? टैकीकार्डिया कहलाता है, करेक्ट। आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करने का। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। डायुरेटिक्स आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, सही है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायरिनोन आर द डायुरेटिक ऑफ चॉइस फॉर द अनकॉम्प्लिकेटेड, हाँ जी, एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बाकी अगर फर्स्ट लाइन ड्रग बोला जाएगा तो हम चल देंगे रास सिस्टम में एस इनहिबिटर। क्लोरथायरिनोन इज लॉन्गर एक्टिंग देन हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, सही है। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद द थायाजाइड द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज। लॉन्ग टर्म यूज करोगे भाई साहब और हार्ट रेट उससे डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कुछ कहने की ही बात नहीं है, सब सही है, एस गलत है। ना 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 ना, अरे मेरा बच्चा, अगर तुम लॉन्ग टर्म तक हमारा थायाजाइड यूज करोगे क्या उससे हार्ट रेट घट जाएगी क्या? कौन है जो बोला? चलो जल्दी बोलो, कोई बात नहीं बेटा साहिल, लोरी मनाएंगे, मकर संक्रांति मनाएंगे, खिचड़ी मनाएंगे, सारे फेस्टिवल मनाएंगे, बट शायद नेक्स्ट ईयर, इस ईयर केवल और केवल अपने फ्यूचर को सजाएंगे।
तो हमने क्या बोला, थायराजाइड की अगर आप बात करोगे, क्लोरथायरिडोन वाली जो ड्रग होती है, ठीक है, इसका हार्ट रेट पे कोई रेट नहीं है, खासतौर पर बात करेंगे अनअफेक्टेड होता है। मैंने पहले बोला ना अनअफेक्टेड। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन विद द डायबिटीज मेलिटस, सीधे क्लास की बात है बच्चों, क्लास में बताया हूं कि अगर कोई पर्सन हार्ट रेट पर कोई फर्क नहीं कर नहीं होगा, हाँ वही तो बोला ना बेटा पिता, कोई नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड। चलो चलो जल्दी बोलो, कौन बोला डायबिटीज मेलिटस में, और एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज मेलिटस भी और हाइपरटेंशन है, उसको बीटा ब्लॉकर देंगे, कौन बोला, किसने बोला? बहुत मार खाएगा। थायाजाइड नहीं, क्या बोला था, क्या बोला था, एस इनहिबिटर, बताया हूं कहानी, समझाया हूं, एग्जैक्टली नहीं 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 नहीं, अरे सारे हाइपरटेंशन किस किस डिजीज से साथ, डायबिटीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज मेलिटस, जब भी इन सब चीजों की बात करेंगे ना तो कोशिश हमारी यही रहेगी कहां पे, हाइपरटेंशन विद द डायबिटीज में एस इनहिबिटर या एआरबी। अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लिया जाएगा तो सर टेल मी सार्टन पे चल देंगे, हाँ जी चलो। Which antihypertensive is prodrug and is converted to its active form in brain? कौन सी antihypertensive drug? Prodrug है। Okay, ये बढ़िया है। पहले बेटा बिंदास वहां तक पहुंचो, उसके बाद फिर बात करेंगे। देखो जितने भी हमारे इसमें ऑप्शन दिया गया है ना, वैसे याद रखना हाइपरटेंशन में हमारी जो प्रोड्रग की कहानी आती है ना, वो या तो एस इनहिबिटर में मिलता है और या तो हमारी मिनोक्सिडिल और मिथाइल डोपा में मिलता है। ध्यान से सुनना, मिथाइल डोपा और मिनोक्सिडिल और एस इनहिबिटर XFCL ये प्रोड्रग होती है एंटी हाइपरटेंसिव में। लेकिन मिथाइल डोपा, देखो यहां पर केवल एक चीज लिखा है, क्वेश्चन इसमें छिपा है, क्वेश्चन कहीं और नहीं यहां छिपा है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, कौन सी ऐसी ड्रग प्रोड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो ब्रेन में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अरे क्या आंसर करोगे, मिथाइल डोपा, याद है ना स्यूडो न्यूरो ट्रांसमीटर। अरे मेरे प्यारे बच्चों सुनो ना, स्यूडो न्यूरो ट्रांसमीटर याद है ना, मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है, मिथाइल डोपा ब्रेन में कन्वर्ट होता है, तभी तो सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक कहलाता है। कुछ सोचना ही नहीं है मेरा बच्चा। मैंने क्या बोला, मिथाइल डोपा और मिनोक्सिडिल, हाँ ये दोनों प्रोड्रग है, लेकिन मिथाइल डोपा ब्रेन में कन्वर्ट होता है जबकि मिनोक्सिडिल हमारा लीवर में यानी पेरिफेरी में होता है। गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर करेक्ट अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन? ओके, वेरेपामिल और रिल्टियाजिम विद द बीटा ब्लॉकर शुड नॉट टेक टुगेदर फॉर द हाइपरटेंशन। ओए होए 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 होए, क्या आज ही हमने बात किया था, बीटा ब्लॉकर, वेरेपामिल, डिजिटलिस, इनको कभी साथ में नहीं लेने का रे बाबा, वरना प्रॉब्लम होने का। सो शुड नॉट टेक सही दिया गया है। अ सस्टेन्ड बीपी रीडिंग अबव 140-90 mmHg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज इंप्लिकेटेड बोथ फॉर द मदर, इंप्लिकेशंस बोथ फॉर द मदर एंड फीटस, बिल्कुल सही है। अगर लगातार सस्टेन 140/90 से ज्यादा का बीपी है तो हाँ प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइड्रालाजिन मिथाइल डोपा आर द सेफ एंटी हाइपरटेंसिव, बोलो ना बेटर, मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, तो हाइपरटेंसिव और मदर से मिथाइल डोपा, हाँ सर ये सेफ है। कैप्टोप्रिल आल्सो सेफ, पढ़ो ये लाइन। अरे सुनो ना, क्या कैप्टोप्रिल सेफ है? अरे मैंने बोला था रास सिस्टम की सारी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो सर ये सेफ नहीं होगी। तो पी क्यू आर सही है, एस इनकरेक्ट है, बी आंसर आपने लगाया तो बड़ा मजा आया, और नहीं लगाया तो
तो बेटा तुमको हम मुर्गा बनाया। गुड, डायुरेटिक की बात है, एस इनहिबिटर की बात है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात है, बेटर मदर केयर है ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी की बात किया होगा। बिल्कुल नहीं बेटा बिंदास छोरा, अलग अलग सेक्टर होते हैं फार्माकोविजिलेंस में। तुम्हें दिन रात इंडस्ट्री में काम नहीं करना होता है, आरएनडी में भी उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ काम तो करना पड़ेगा ना भैया। नौकरी चाहे जिसकी हो, नौकरी तो करना पड़ेगा ना मेरे जान। Which of the following anti-hypertensive drug is contraindicated in pregnancy? Simple बताओ, simple बताओ, simple बताओ। Better mother care during hypertensive pregnancy. Calcium channel blocker safe है, cardio selective beta blocker safe है, prazosin safe है, लेकिन reserpin हमारी contraindicated है। नहीं sir, contraindicated है, बिल्कुल नहीं देने का। Sir headache के लिए कौन सी drug है, drug ले? Headache के लिए pharmacology की class। मेरा तो ये होता है, जब मुझे होता है ना मैं पढ़ने लग जाता हूँ और मुझे रिलीफ मिलता है, ये मेरा थेरेपी है। आप अपना थेरेपी सोच लीजिएगा, क्योंकि दवाओं से बेटा शरीर को कभी नहीं चलाना चाहिए। चूज आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉम्बिनेशन थेरेपी एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, ऑल सिंपैथेटिक इनहिबिटर एक्सेप्ट बीटा ब्लॉकर एंड वैसोडायलेटर एक्सेप्ट कैल्सियम चैनल ब्लॉकर कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन लीडिंग टू द टॉलरेंस। All sympathetic inhibitor except beta blocker and vasodilator except calcium channel blocker. हाँ ठीक है ना, RAS system की बात आ जाएगी। Hydralazine and dihydropyridine causes tachycardia which is counteracted by the beta blocker. ठीक है हाँ, dihydropyridine की वजह से जो tachycardia होता है उसके लिए beta blocker देते हैं। ACE inhibitor angiotensin receptor blocker are particularly synergistic with diuretic for the treatment of the hypertension. Majority of stage 2 hypertension are started at 2 drug combination. हाँ, अगर stage 2 में चले जाओगे तो एक ड्रग से काम नहीं बनेगा और ड्रग देना पड़ेगा। तो बताओ ना, हाँ जी PQRS all are correct, सभी सही है कि नहीं? ओके सर, यूपीएससी डीआई की वैकेंसी कब आएगी? सर गुजरात डीआई का पेपर कब होगा? देखो गुजरात डीआई का पेपर मान लो फरवरी में हो जाएगा। यूपीएससी डीआई की वैकेंसी कब होगी? सिंपल मान के चलना, अभी नहीं आएगी क्योंकि बेटा चुनाव है। अभी सेंट्रल की सभी लगभग वैकेंसी स्टॉप हो जाएंगी, होप सो। अब ये सारी वैकेंसी अप्रैल के बाद ही आएंगी, तो इसलिए अपनी तैयारी पे लगे रहो सेंट्रल वाली वैकेंसी के लिए। चाहे आप रेलवे के लिए भी पूछते हो तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर मतलब इस ईयर के लास्ट तक जरूर आएगी। PQRS ऑल आर करेक्ट। देखो ऑल इसमें क्या बोला गया था, हाँ चलो चलो नेक्स्ट आ जाओ। Which among the following is the best inotropic drug for use in right heart failure? हाँ, ये वाला question दिमाग लगाने वाला है। चलो चलो बेटा जल्दी आओ, थोड़ा इधर रुको। क्या है? Which among the following is the best inotropic drug for the use in right heart failure? मैंने बच्चों आपको एक चीज बताया था। सर फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स का पहला ओरिएंटेशन होगा क्या? सर होगा तो कब होगा? बोला तो बेटा फार्मासिस्ट का जो ओरिएंटेशन होगा वो आपको होगा 21st को। 21st को उसका ओरिएंटेशन क्लास पीयू सर लेंगे। सर CUCT का फॉर्म कब आएगा? आ गया मेरा बच्चा, आ गया है, कल बात करेंगे इसके बारे में क्लासेस में। आ जाओ। फिर तुमने गड़बड़ किया। पहले रुको, पहले सुनो फिर समझो। मैंने क्या बोला था बच्चों, जिन्होंने डिजॉक्सिन आंसर दिया लो काट दिया, सब गलत हो। अब सुनोगे कहां ब्लंडर कर रहे हो? मैंने क्या लगाया है क्वेश्चन में, इसलिए बोल रहा हूं बेटा सुनो पहले मेरी बात। अरे मेरा बच्चा राइट हार्ट की बात है, लेफ्ट हार्ट नहीं। हां मेजरली लेफ्ट हार्ट फेल्योर में तुम्हारा डिजॉक्सिन जाएगा, ओके गुड, क्योंकि बोला था लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरा रोल होता है। लेकिन क्वेश्चन में मेरा बच्चा क्या लगा है? राइट हार्ट से। राइट की बात अगर चल रही है तो प्लीज याद रखना यहां पे अब मेरी प्रिफर्ड ड्रग हो जाएगी
CAMP मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर यानी फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिटर। क्या बोला? फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिटर। क्या मेरी बात याद आई? और फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिटर हाँ आज ही पढ़ाया हूं, लेकिन थोड़ा सुनना था। अच्छा, किस बच्चे ने बोला सर डोब्यूटामिन? नहीं, फिर गलत हो जाओगे, क्योंकि डोब्यूटामिन भी मेरे लेफ्ट में काम करती है, राइट में नहीं। राइट की बात करोगे तो मिलरिनोन याद आएगी, क्योंकि फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 इनहिबिटर मिलरिनोन दैट कैन मेनली इंप्रूव द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी विदाउट एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ओनली इन द राइट साइड। गलत किए कि नहीं? कितने बच्चे हिले इस क्वेश्चन में? सभी लगभग हिल गए, देखा मैंने, सभी ने बी 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 बी। बक विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इंट्रैक्शन इज करेक्ट? चलो जल्दी बोलो। एस इनहिबिटर एंटासिड, एस इनहिबिटर एंटासिड का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देता है। कहां लिखा है? इंक्रीजेस द, हां जी, एस इनहिबिटर एंटासिड इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। अच्छा, क्या बोला गया है? Which of the following interaction is correct? अच्छा, मैच नहीं करना है सर, इंक्रीज लिखा है, गलत है, क्योंकि डिक्रीज हो जाता है। एस इनहिबिटर नसाइड, नसाइड दोगे तो एस इनहिबिटर का एक्शन एबॉलिश हो जाएगा। इंक्रीज लिखा है सर, गलत है, डिक्रीज हो जाता है। एस इनहिबिटर पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक डेंजरस हाइपोकैलीमिया? नहीं भैया, हाइपरकैलीमिया होगा सर, गलत है। एस इनहिबिटर लिथियम? हाँ जी, एस इनहिबिटर रिटार्ड द रीनल एलिमिनेशन ऑफ द लिथियम एंड पोटेंशिएट द टॉक्सिसिटी। बेटा सब ये सारे इंटरेक्शन क्लास में पढ़ाया हूं मेरे बच्चों, सारे इंटरेक्शन क्लास में पढ़ाया हूं, अगर आपको याद आ रहे हो तो। नसाइड वाले क्लास में ये पढ़ा था, अभी एस इनहिबिटर के साथ एंटासिड का रोल पढ़ाया ही हूं। अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक हाइपरकैलीमिया करता है तो ये सोचने की भी बात नहीं है, आपसे सही पूछा गया था तो डी आंसर लगाना था। लगाए कि नहीं बोलो? चाहो तो ये सिनेमेट, जितने भी ये सिनेमेटर के इंटरेक्शन है सबको एक जगह कर दिया गया है, ट्रिक फोटो कर लेना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पेरेंटल थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन? चलो पेरेंटल थेरेपी की बात करते हैं, ध्यान से देखो। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट ऑल्सो एक्ट विद इन 2 to 5 मिनट एंड हैज ब्रीफ टाइट्रेबल एक्शन। चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा। प्रीडोमिनेंट वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन जीटीएन मेनली करता है एंड लोअरिंग द बीपी। हाँ जी ठीक है, वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट कहां करेगा? वेट पे करेगा। स्मोलॉल इज यूजफुल हाइपोटेंसिव एंड ब्रेडी कार्डियक ड्रग ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनेस्थीसिया। कभी गलती से मत दे दीजिएगा स्मोलॉल को, कभी भी गलती से मत दे दीजिएगा स्मोलॉल को, खासतौर पर एनेस्थीसिया के बाद, क्योंकि बीटा ब्लॉकर होती है बेटा, एनेस्थीसिया में बीपी ऑलरेडी डाउन हो जाती है, स्मोलॉल दे दोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। फेंटोलामिन इज द ड्रग विच इज नॉट यूज फॉर द हाइपरटेंसिव एपिसोड इन फियोग्रोमोसाइटोमा। हाँ, फेंटोलामिन नहीं यूज होती है, सही है। फ्यूरोसेमाइड शुड बी अवॉइडेड व्हेन पेशेंट हैविंग द हाइपोवोलेमिक ड्यू टू द प्रेशर इंड्यूस्ड नेट्रियोरेसिस। सभी सही है, आर गलत है, सभी सही है, आर गलत है। कहां पे है ए आंसर है क्या जी मेरे बच्चों? सर जीटीएन वेनोडाइलेटर होता है, वही तो लिखा है मेरा बच्चा। ओ ओ नहीं 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 अरे ये वेनो कॉन्स्ट्रिक्टर लिख गया है, अरे गलत हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन गड़बड़ हो गए, ऑप्शन गड़बड़ हो गए, सॉरी। कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ डायलेशन करता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो डायलेशन होता है, कहाँ गया जी? हाँ वेनो डायलेशन होगा, और क्यू इनकरेक्ट का और आर इनकरेक्ट का ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो गड़बड़ है। कोई नहीं, चलो एक बार देख लेना। फाइंड आउट द करेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। इप्लिनोन इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक है, इप्लिनोन मिलरिनोन सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक होती है। एलएसकेरिन इज ड्रग व्हिच एक्ट थ्रू द डायरेक्ट टेनिन इनहिबिटिंग
Tell me certain angiotensin blocker, verapamil calcium channel blocker, which comes in the class of the dihydropyridine, nana, phenylalkylamine. Minoxidil hydralazine as the drug which are arteriodilator. हाँ सही है, यानी P और S गलत है, P और S incorrect है, D answer है, P और S incorrect है. अजय साहू सर शेड्यूल कब दोगे? क्लास में आया करो बेटा, तो पता चल जाया करेगा. सारे बच्चों को पता है कब देंगे शेड्यूल, कब पढ़ाएंगे, कब बताएंगे. चलिए डी आंसर है, कल बेटा, कल कल कल. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर, एस इनहिबिटर का मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट, एक तो कफ होता है, दूसरा फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन होता है, कहीं दिख रहा है क्या, और हाइपरकैलेमिया होता है. तो हाइपरटेंशन में तो यूज होता है, हाइपोकैल्सीमिया नहीं, हाइपरकैल्सीमिया नहीं, हाइपोटेंशन हो जाएगा. हां जी, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन आएगा कि नहीं? एग्जैक्टली, हमने पढ़ा है एस इनहिबिटर में फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए इससे ज्यादा वो हमारा सेफ होता है. एडवांटेज ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ओवर एस इनहिबिटर, यही तो बोला, यही तो बोला. Angiotensin receptor blocker do not causes the cough, do not having the first dose hypotension. So yes, cause dry cough rarely. क्योंकि ACE inhibitor में dry cough होता है, angiotensin receptor blocker में नहीं होता है. First dose hypotension but not in angiotensin receptor blocker. All ARB not first dose hypertension. Exactly. और ड्राई कफ भी नहीं करते हैं. गुड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल इनहिबिटर ऑन द हार्ट, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात हो रही है. जरा बताओ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा? कॉन्ट्रेक्शन घटाएगा, यानी नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होगा, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक होगा. जी, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक तो गलत है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक तो गलत है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक तो गलत है, तो नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट रेट भी घटाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन भी घटाएगा. शंकर बेटा पूरा सिलेबस प्राइम बैच में पूरा शुरू से लास्ट तक एक एक चीज कंप्लीट होता है, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा. अल्फा ब्लॉकर विड्रॉल हाइपरटेंशन करते हैं. जी 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 जी. तो यहाँ पे तो सिंपल आंसर करना था, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहाँ काम करेंगे. जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बायोअवेलेबिलिटी मोर देन 50%. देखो सभी प्रिल क्लास की ड्रग है, और मैंने प्रिल क्लास के चार्ट में आपको काफी चीजें समझाई थी. सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम डायरेटिक क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा अगर डायरेटिक नहीं देंगे और आप ब्लड चढ़ाते चले जाओगे तो चांसेस होंगे कि वहां पे हमारा हाइपरवोलेमिक हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, इसलिए डायरेटिक देके ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं और ब्लड चढ़ाते हैं. दिलसाद आंसर मिला होगा. सर फास्ट, अरे फास्ट ही करो बेटा, फास्ट ही करो, जल्दी आंसर कर दो ना. हमने देखा था कैप्टोप्रिल जिसमें सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी होती है, अराउंड 70% बायोअवेलेबिलिटी होती है, जिसमें हमारा प्रोलिन अमीनो एसिड हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, सल्फेट्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. कुछ याद आ रहा है सारी बातें कि नहीं याद आ रही है? तो मोर देन 50% बायोअवेलेबिलिटी कैप्टोप्रिल की बात करोगे. देखो सबसे ज्यादा कैप्टोप्रिल की बायोअवेलेबिलिटी 70%, इनालाप्रिल है लेकिन 50% के नीचे के ही आसपास आ जाएगा, बाकियों में तो और भी ज्यादा क्रम होता है. तो बायोअवेलेबिलिटी की बात करेंगे, हाँ जी कैप्टोप्रिल में होता है, कैप्टोप्रिल एक्टिव फॉर्म होता है, बाकी हमारे प्रोड्रग होते हैं, लिसनोप्रिल हमारा एक्टिव फॉर्म होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था आपने. गुड. Match the following class of antihypertensive drug with their category. चलो मैच करो. Reserpine. अच्छा. Phentolamine, Hydralazine, Aliskerin. एक मिला सारा आंसर आ जाएगा बेटा. देख लो. देख लो. ये तो कंफर्म है. S2 में चलोगे. Reserpine कहाँ जाओगे भाई? कौन है जो यहाँ पे Reserpine में arterial dilator पे जाएगा? नहीं जाना भैया. रिसर्पिन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर. फेंटोलामिन की बात कर लेंगे तो फेंटोलामिन हमारा अल्फा ब्लॉकर में चले जाओगे. अगर हाइड्रालाजिन की बात करेंगे तो हमारा आर्ट्रियोडायलेटर, और एलिस्केरिन की बात करेंगे तो रेनिन इनहिबिटर में आ जाओगे. जरा देखो P3 Q4 R1 S2 यस डी आंसर आ जाएगा. आएगा कि नहीं? गुड 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 गुड.
अरे रिसर्च में पढ़े हो यार, न्यूरॉन एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है, हाँ जी, जो हमारा न्यूरॉन से रिलीज में काम करता है, विनेथिडीन एंड रिसर्पिन। विच ऑफ द करेक्ट ड्रग फॉर द आर्ट्रियो वेनोडाइलेटर? देखो आर्ट्रियोलर वेनोडाइलेटर, एक ही ड्रग तो पड़ा है। क्या बोला सर? इन लोगों को बोलो क्लास को लाइक करे, सिर्फ चार लोगों ने ही लाइक किया होगा। बे तो उन्हीं चार लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक किए होंगे, बाकियों को नहीं पसंद आया होगा। बट मेहनत लग जाएगी ना। चलो आ जाओ पढ़ाई करो। आर्ट्रियो एंड वेनोडायलेटर जल्दी बोलो। आर्ट्रियो एंड वेनोडायलेटर की बात किया जाए, एक ही तो बोलोगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कुछ कहना है क्या? एग्जैक्टली, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, दैट इज द आर्ट्रियो एंड वेनोडायलेटर। दोनों डायलेशन हमारा मतलब दोनों को डायलेट करेगा। कुछ नहीं कहना था इसमें, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो आर्ट्रियोलर वेनोडायलेटर। Which among these drug is not used for the hypertension in pregnancy? बस वही ट्रिक याद है तो सारा आंसर हो जाएगा। प्राइम बैच कैसे ज्वाइन करना है? सिंपली जस्ट डाउनलोड द जेडीसी क्लासेस ऐप, वहां से आपको स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा बच्चे। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो वहां पे आपको नंबर दिया गया होगा, आप उन पे कॉल कर सकते हो। गुड नाइट। अरे अभी 5 क्वेश्चन बाकी है, खत्म करो जल्दी से। ट्रिक बोलो ना। बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, मिथाइल डोपा क्लोनिडिन प्राजोसिन याद कर यूज करोगे, रिसरपिन हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में नहीं यूज करोगे। सेम क्वेश्चन है, अभी हमने शायद कुछ ऐसा किया भी है। आंसर दे दोगे कि नहीं? एग्जैक्टली, डी आंसर इज देयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द पोटेशियम चैनल ओपनर? जल्दी बोलो। पोटेशियम चैनल ओपनर क्या क्या पढ़ा था? पोटेशियम चैनल ओपनर में क्या क्या पड़ा था? हाइड्रालाजिन, ऐसा क्या? मिनोक्सिडिल, ऐसा क्या? नहीं, निकोरोंडिल, मिनोक्सिडिल, डायजोक्साइड। हाइड्रालाजिन में नाइट्रिक ऑक्साइड से बात किया था, याद आ रहा है कि नहीं? हाइड्रालाजिन में हमने क्या बात किया था? नाइट्रिक ऑक्साइड से बात किया था। अब देखो हाइड्रालाजिन में नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ग्लिबेंक्लामाइड, अरे ये तो ग्लिक्लाजाइड, ये तो 4G ड्रग में आएगी, एंटी डायबिटिक सल्फोनिलयूरिया, एमिलोराइड, ट्रायामेट्रिन, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक में आएगा। तो आंसर क्या है? निकोरोंडिल है कि नहीं है? सो निकोरोंडिल, जी निकोरोंडिल, डायजोक्साइड और हमारा मिनोक्सिडिल, ये तीन याद रखिएगा, वहीं से आंसर आ जाएगा। निकोरोंडिल ओनली प्रिपरेशन जो क्लिनिकली हम यूज करते हैं यहां पे। पेरेंट्रल फ्यूरोसेमाइड इज एन अल्टरनेटिव डायुरेटिक टू मैनिटॉल। एक चीज बताओ, मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए होती है? मैनिटॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, डायरेटिक चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा है। मैनिटॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेरेब्रल एडिमा, और अगर सेरेब्रल एडिमा के लिए मैनिटॉल दी जा रही थी और अगर हमें उसे अल्टरनेट चेंज करना है तो हम क्या देंगे? पेरेंट्रल फ्यूरोसेमाइड देंगे फॉर द सेरेब्रल एडिमा। अगर ये लाइन आपको याद है, मैनिटॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेरेब्रल एडिमा, तो आप आंसर दे दोगे। याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है बच्चों? सेरेब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस ऑस्मोटिक डायुरेटिक मैनिटॉल ही तो होती है ना? जी मेरे बच्चों, तो ऑब्वियसली जब मैनिटॉल को हम अल्टरनेट करना है, चेंज करना है, तो हम फ्यूरोसेमाइड दे देंगे, वहीं से आंसर निकाल लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस कफ कॉज्ड बाय द एस इनहिबिटर? मेरे एक बच्चे ने, हाँ साई राम ने बोला था शायद, शुरू में ही आंसर दे दिया था कि अगर एस इनहिबिटर से जो ड्राई कफ हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? वन एंड ओनली वन, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, जहां पे हम आंसर करते हैं कौन सी? एस्पिरिन। यस, एस्पिरिन ड्रग दिया जाता है जब, क्यों सर ऐसा क्यों? किसी को प्लाज्मा काइनिन याद आ रहा है क्या? बढ़िया, कैप्टोप्रिल से जो एस इनहिबिटर मतलब ड्राई कफ होता है उसके लिए हम क्या देते हैं? लो डोज में एस्पिरिन दे देते हैं। थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज याद आ रही है? जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट प्राइमरली बाय डिक्रीजिंग प्री लोड? ले भैया, प्री लोड की बात हो रही है तो नाइट्रेट याद करोगे ना? प्री लोड नाइट्रेट याद करोगे? हाइड्रालाजिन, मिनोक्सिडिल,
सर ये हम आफ्टर लोड में याद करेंगे, तो सिंपल आंसर यहाँ पे प्री लोड की बात है तो नाइट्रेट याद आएगी, प्री लोड की बात है तो नाइट्रेट याद आएगी, आफ्टर लोड की बात है हाइड्रोलाजिन मिनोक्सिडिल कैल्सियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर याद आएगी। जी जी जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका फटाफट। द एंटी हाइपरटेंसिव विच कॉजेज डिक्रीज लिबिडो एंड इम्पोर्टेंस, याद रखना ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ डाला है, ये क्वेश्चन मुझे एक जगह मिला था किसी फार्मासिस्ट के पेपर में, इसलिए मैंने डाला है। आपसे क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव था, क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर कैन कॉज द लिबिडो एंड इम्पोर्टेंस, मैंने आपको एएनएसपीएस के बारे में बात किया है, वो क्वेश्चन यहां बदल के आपसे क्या पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन कॉज द इम्पोर्टेंस एंड लिबिडो, ये वही बीटा ब्लॉकर है जिसका नाम है क्या, आती क्या खंडाला। ओ भैया, अरे संदीप बाबू आप तो ऐसा स्लोगन बनाओगे तो पता चलेगा 2024 में हम सीधे प्रधानमंत्री के लिए चुनाव ही लड़ लेंगे हैं। चलिए थैंक यू बच्चा, लव यू एटिनॉल ऑल। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव था, यहाँ पे याद रखिएगा प्राजोसिन नहीं करती है एटिनॉल ऑल, हाँ ये मेरी बीटा ब्लॉकर है ऐसी जो क्या करती है, हमारी हाई रिस्क होती है खासतौर पर जब बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की। ओके फाइनली आज हम 3000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और मुझे उम्मीद है आज मेरे बच्चों को मजा बहुत आया होगा क्योंकि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखे प्रीवियस ईयर से ऐसे चुटकी बजाते हुए आ रहे थे ना, लग रहा था यार ये क्या चल रहा है क्या मेरे बच्चों। सॉरी Which drug should not be given in pregnancy? That, फिर से वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको आंसर करना है, अगर इसमें गलती करोगे तो फिर कहां सही करोगे जी, जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं, इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, हाँ पढ़ा है तो याद है, क्वेश्चन बन रहा है, और यही तो होता है। चलिए रास सिस्टम की कोई भी ड्रग यूज नहीं होती है, एसी इनहिबिटर दिख रहा है तो लगा दो, नहीं यूज करेंगे, गुड नाइट, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बस 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 खत्म कर रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बट बिफोर लीविंग दिस सेशन कमेंट योर रिजल्ट कैसा रहा, कितने क्वेश्चन हमने किए, गलती कहां हुई, कितने क्वेश्चन की हुई, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। So with this, thank you so much to all of you. मिलते हैं आप सभी से next session में, तब तक के लिए Tata, bye bye, take care, keep revising, keep studying. Thank you all.